यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों की मांगों पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की आज पहली बैठक होगी। उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक शिक्षा मित्र संघ की ओर से 25 से 27 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए एक्ट में संशोधन करने की मांग भी की गई थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय और प्रमुख सचिव समाज कल्याण की कमेटी गठित की गई है। कमेटी की पहली बैठक आज होगी। कमेटी शिक्षा मित्रों की मांगों पर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगी। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्र काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर BJP आलाकमान की भी नजर है, जिन्हें मालूम है कि अगर वक्त रहते इस आंदोलन का निस्तारण नहीं किया गया तो ये मिशन 2019 के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।